और गाइस ये जो छोटा वाला चिक्स है, तो बाद में जरूरत पड़े तो आप इसका साथ ये फीडिंग फॉर्मूला का साथ मिक्स कर देते हैं। एक बूंद देने से दिन में एक टाइम देने से बहुत तंदुरुस्त रहते हैं, हेल्पफुल रहते हैं और खेल कूद भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल राजू अल्पेट। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे, अभी गर्मठ का सीजन चल रहा है और गर्मठ का सीजन में फानकोनिया, छोटा कोनो, कोकाडेल बर्ड, रोजेला, टार्किन जस्पेक्ट सभी बर्ड्स अंडे बच्चे करना पसंद करते हैं। तो इस टाइम पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मान के चलिए कोई नया बर्ड्स अंडे ले किया है और चिक्स भी अंडे भी फुटाइल होकर चिक्स निकल आए हैं और 6-7 दिन का बाद वो चिक्स को अचानक पुराना वाला बर्ड्स फीडिंग छोड़ देते हैं, तो बाद में क्या होता है चिक्स मर जाते हैं। मेरा घर में भी ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ है, एक येलो साइड कोनो बॉक्स के अंदर अंडे ले किए थे, अच्छे तरीके से हैच किए, मगर अंडे फुटाइल हो जाने के बाद वो चिक्स को 7 दिन का बाद फीडिंग छोड़ दिया है। तो हम देख के बॉक्स का अंदर से बाहर करके लेकर आए हैं और चिक्स को खुद फीडिंग करा रहा है। तो इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे फीडिंग किस तरह किया जाते हैं, कौन सा लिक्विड फूड से फीडिंग दिया जाते हैं और छोटा बेबी को कितना बार दिन में फीडिंग दिया जाते हैं, इस सब इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखते रहना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस कर लेना। तो गाइस चलिए वो चिक को आप लोगों को दिखाते हैं। गाइज आप लोग देख सकते हो यही है नया वाला जूड़ी जो अंडे पहली बार मेरा सेटअप में ले किए थे और उसके बाद चिक्स को 7 दिन का बाद फीडिंग देना छोड़ दिया है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो ये है डेली नेचर स्टार्ट हाई प्रोटीन और इधर देख सकते हो डेली नेचर स्टार्ट हाई एनर्जी। तो दोनों ही कंटेनर 2.5 केजी का है, हमारा दुकान में था, हम लेकर चले आए हैं और इसका 500 ग्राम का कंटेनर भी मिल जाते हैं डेली नेचर स्टार्ट हाई एनर्जी। तो बड़ा पैरोट का जो चिक्स हम लोग फीडिंग करते हैं उसका बॉडी में फैट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए हमेशा मैं डेली नेचर स्टार्ट हाई प्रोटीन से फीडिंग देता हूँ, देख सकते हो। तो गाइस चलिए ये फीडिंग फार्मूला को कैसे प्रोसेस करके फीडिंग किया जाते है आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस हल्का गुनगुना गर्म पानी लेकर चले आया है और एक बर्ड्स को फीडिंग देंगे, तो इतना सा एक पानी लेंगे और इसका अंदर न्यू 15 दो गुण डाल देंगे। तो हाफ टाइम पे देने का जरूरत नहीं है, सुबह का एक टाइम और शाम का एक टाइम, दो टाइम पे न्यूट्रिशन देने से ठीक ठाक रहेगा, दो बूंद देने से ही काम चल जाता है। तो इसका अंदर दो बूंद न्यूट्रिशन डाल देते हैं, एक दो, और इसके बाद डेली नेचर हाई प्रोटीन इतना सा लेंगे, एक चिक्स के लिए इतना सा लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। देखिए हैंड फीडिंग फॉर्मूला टोटली तैयार हो गया है, ज्यादा मोटा करके फीडिंग कराने से बाद में डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम हो सकता है, बॉडी का प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैंने इस तरह फीडिंग ए चिक्स को दे रहा हूँ। देखिए तो जिस टाइम बॉक्स को बाहर करके लेकर आए थे इसका आंख भी बंद था और 6 दिन उम्र था और अभी इसका उम्र है 26-25 दिन हो गया है और इसका फीडिंग टाइम है इस टाइम पे, इसलिए देखिए कितना शरारत कर रहा है। तो जिस टाइम पे छोटा था, आंख बंद था, उसी टाइम से हम फीडिंग कर रहे हैं और उस टाइम हम दिन में 5 टाइम इसको फीडिंग देते हैं और अभी तभी बड़ा हो गया है, देख सकते हो इसको दिन में
फोर टाइम फीडिंग देते हैं। तो चिक्स जितना धीरे धीरे बड़ा होगा आपको फीडिंग टाइम भी कम करना होगा, और भी बड़ा हो जाएगा तो बाद में थ्री टाइम फीडिंग देंगे। अभी इस टाइम इसको चार टाइम फीडिंग दे रहा है। तो चलिए गाइस, और आपको ऐसे रेस्ट करके बर्ड्स को खिलाना होगा। वो सोच रहा है शायद मेरा मामी फीडिंग करा रहा है। और ये जो सिरिंज है 2.5 ml का सिरिंज है, तो 2.5 ml का सिरिंज लोडेड चार बार से तीन बार देंगे, ज्यादा खिलाएंगे नहीं। ज्यादा खिलाने से बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे आपको फीडिंग देना होगा। जैसे फीडिंग पे बहुत कंफर्टेबल फीलिंग्स करे ऐसे करके आपको फीडिंग देना होगा, और धीरे धीरे फीडिंग देना होगा। और हड़बड़ी में नाक के ऊपर चला जाएगा तो लिक्विड सांस नाली पे चला जाएगा, बाद में एक चीज को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो भी सावधानी से फीडिंग आपको देना होगा। और गाइस, ये जो छोटा वाला चिक्स है, तो बाद में जरूरत पड़े तो आप वुड वाटर भी यूज कर सकते हो। ये जो हम ये जो लिक्विड तैयार कर लिया है फीडिंग फॉर्मूला को, तो इसका अंदर एक बूंद वुड वाटर गाय वाटर ये भी डाल के आप पिला सकते हो, देख सकते हो। कभी कभार जरूरत है तो हम एक बूंद इसका साथ ये फीडिंग फॉर्मूला का साथ मिक्स कर देते हैं। एक बूंद देने से दिन में एक टाइम देने से बहुत तंदुरुस्त रहते हैं, हेल्पफुल रहते हैं, और खेल कूद भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेता है। 24 डेज 25 डेज उम्र है इसका, देख सकते हो कितना सर रहा है। गाइस देख सकते हो, एकदम टाइट करके मत खिलाना, बाद में प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इस तरह खाली रख के खिलाना होगा आपको। चले जाओ। तो गाइस उम्मीद रखते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, वीडियो देख के कुछ सीख भी पाया होगा, थोड़ी बहुत नॉलेज आप लोगों को मिल गया होगा। वीडियो पसंद होने से लाइक जरूर हो जाना चाहिए, और चैनल पहली बार आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना। तो गाइस मिलते हैं और भी मजेदार वीडियो मजेदार टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।